नीचा फेंक दूंगा गाड़ी में से मिनट से पहले। जय माता दी भाइयों, अगर आप वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो गाइज मैं बताने वाला हूँ मुजफ्फरनगर से वैष्णो देवी जाने तक का प्लान कैसा होगा, कैसे आप जाएंगे। तो गाइज अगर आप मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरनगर के आसपास से है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से आप जाएंगे, कौन सी और ट्रेन होगी, कितना टिकट होगा, तो सारी बात इस वीडियो में करेंगे। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ वैष्णो देवी। तो गाइस मैंने ले लिया अपना जरूरी सामान, जैसे चार्जर हो गया, पॉड्स हो गया, ये हो गया। तो भाई फाइनली हो गया सामान तैयार, ये रखा मेरा बैग, इधर रखे जूते, बस पहनने हैं और चलते हैं। तो गाइस फाइनली बैग हो गया तैयार और अब चलने के लिए हम भी तैयार हैं वैष्णो देवी। जय माता। तो ठीक है भाई, जय माता दी, जय माता दी, जा रहा हूँ मैं। भाई आगे बैठ के रिक्शा में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही कवर भाई, मुझे मुजफ्फरनगर भाई पास जा गियो। भाई बैठ के बस में अब पहुंचेंगे रेलवे स्टेशन। भाई पहुंच गया मुजफ्फरनगर और अब मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन। तो भाई ट्रेन होने वाली है हमारी शालीमार मनाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 14666। तो गाइज़ इसका जो टाइमिंग होने वाला है वो है 7:50 पे, वो मुजफ्फरनगर से चलती है और ये कंटिन्यू पूरे हफ्ते चलती है। तो गाइज़ अगर आप वैष्णो देवी प्लान कर रहे हैं तो भाई ये ट्रेन आपके लिए बेस्ट है। इसमें आपको कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो भाई मेरठ से चल के, मतलब दिल्ली से चल के और सहारनपुर को जाने वाली एक ट्रेन आ रही है, अभी दिखाता हूँ कौन सी है और बताऊँगा वो कौन सी ट्रेन है। तो ये भी बेस्ट ट्रेन है, अगर आप इस टाइम आ जाओ तो सहारनपुर आप जाकर आपको हेमकुंड ट्रेन मिल सकती है। तो भाई ये ट्रेन थी अमृत जलंधर एक्सप्रेस और ये न्यू दिल्ली और से डेली सुबह 10 बजे मुजफ्फरनगर से जाती है। बहुत मस्त ट्रेन है भाई ये भी। ये देखो टी-शर्ट में खड़ा, टी-शर्ट में जाओगे भाई यार, बात कहते शेर क्या शेर है। तो भाई आ गए हैं दोनों मिल गए। तो भाई टाइम से थोड़ा लेट है, चलने डाल तो दिया था। तो गाइस फाइनली अब लेते हैं टिकट और दिखाते हैं आपको कितने का है टाइम। देखो भाई कितना हो गया, 6:35 हो गया भाई। जम्मू तवी का दे दो, एक एक नहीं तीन, सॉरी 10 रुपये और 10 भाई दे बच्चों को भाई, और चले रे। तो भाई फाइनली हमने ले लिया टिकट और अब चलने वाले हैं। ये थोड़ा सा खा पी लो, पहले भूख लग रही, फिर आपको दिखाएंगे। ये जो टिकट है 510 रुपये का, 70 रुपये का भाई एक टिकट पड़ा है जम्मू तवी तक का। तो भाई घर से खाना लेके आओ और अपना रेलवे स्टेशन पर आके खा लो उससे ये बेनिफिट है कि ट्रेन में आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ने की भाई हमने तो खाई फ्राई चावल विद दही के साथ और अभी मैं घर से जो पूरी लाया था आलू वाली वो अभी रखी है, वो ट्रेन में खाएंगे। क्योंकि अभी दो बंदों का मतलब पता लगा है, मोनू का और एक लड़का हो रहा है, वो भी शायद आने वाला है, शायद अभी कन्फर्म नहीं है, जो भी होगा जैसे भी होगा देखेंगे। क्या लाया तू, दिखा क्या था? अरे तेरा भाई बहुत बढ़िया चीज है। ओ भाई पावर बैंक भाई, ये सही है 2000 mAh का है भाई, ये सही है, सबके फोन फुल करता है सबके। अरे नहीं ये सबसे ज्यादा काम आएगा ट्रैकिंग में, ट्रैकिंग के टाइम पे भाई चार्जिंग नहीं मिलेगी ना हमें, तो ये सही रहेगा भाई। ये 2000 mAh का है तो भाई मजा आ गया, इसे फुल चार्ज करके, फुल चार्ज है ना, हां आईफोन में भी लग जाएगा सब में लगेगा भाई, अलग से। ये सही है भाई, मुझे ये दिल की खुशी होगी भाई आईफोन में लग गया। हल्का सा लोगे, चलो भाई जो भी है, मैं लड्डू भूल गया, कोई नहीं, मुझे पता है लड्डू ध्यान कहाँ है, जब मैं बैठ गया था यहाँ स्टेशन पर आके तो मुझे याद आ गया। भाई ट्रेन का कर रहे हैं यहाँ बैठ के वेट और आ गए हैं नीरज और हरी मेरे साथ। भाई अभी आपको मुझे बारा था और ये
वंदे भारत, और इसके बाद आने वाली है हमारी ट्रेन। और टाइम हो गया भाई 7:29 और अभी 20 मिनट बाद बस हमारी आ जाएगी ट्रेन। लिया यार क्या बस शादी के नोट की तरह ये लगा दी थी टिकट, देखो कितने सारे टिकट ले दी हमने, मजाक चल दिए। 1, 2, 3, 4 ट्रेन पर ट्रेन आ रही भाई, हमारी ट्रेन नहीं आ रही पर अब ट्रेन आने वाली है, बस 2 मिनट में आ रही है भाई। अपने टाइम से पूरी 30 मिनट लेट है, मतलब आधा घंटा लेट है, वैसे टाइम से चल रही थी, अभी आधा घंटा लेट हो गई है कि भाई इसकी डकार आ गई, बहुत देर से रुक गई थी भाई, बहुत देर से परेशान हो रहा था। तो भाई आगे हमारे सामने ट्रेन है, तो अब चलेंगे ट्रेन में। भाई अब कौन लाओगा तारी मिर्ची, कौन करेगा तारा काम भाई। भाई फाइनली हम सारे इकट्ठे हो गए आगे, सीट तो मिली नहीं पर जनरल डब्बे में यार जगह देखो भाई, यहाँ काम बैठ रहे भाई। निकल चुकी है ट्रेन सहारनपुर से, फालतू ने बोलिए महात्मा रहे महात्मा की जगह। हाँ चुप बिल्कुल चुप, नीचे फेंक दूंगा गाड़ी में से मिनट से पहले भाई। ठीक है तू क्या नाम जी? हाँ भाई यो बच्चा भी गोद में से उठ, यहाँ से सीट पे से उठ गया जी दोनों भैया। भाई अभी ट्रेन में बज गई लड़ाई, गुड मॉर्निंग होगी और अभी सो के उठ गए हम लोग, और हम लोग बैठ गए यहाँ मतलब ट्रेन की जो पैड़ियाँ होती हैं इन पे जय माता, और बस पहुँचने वाले हैं अभी, तो अभी दिखाते हैं आपको देखो कैसे लोग बाग उतरते हैं मतलब। ओ पत्ते भी गर्जन पढ़ाओ पढ़ लिया पढ़ लिया उसका वो पत्ते भी आया नेक्स्ट कर बलियान का नहीं चलता सर्दी सी लग गई भाई, सर्दी 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 जुकाम ने। तो भाई फाइनली हम आ गए जम्मू तवी, और अभी हमें ट्रेन पकड़नी है कटरा की, तो चलो फटाफट चलते हैं और कटरा की ट्रेन पकड़ते हैं भाई, चलेंगे वैष्णो देवी। भाई अब ट्रेन आने वाली है जो कटरा को जाने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 2 का, और इसका जो टाइमिंग है वो है 6:40 का। देख देख पैसे जरा दिया, मतलब इसे पैसे भी दे रहे, नए पैसे दे रहा, नए इसी पैसे दे रहे जो भी टिकट मिला था भाई, कमाल हो रहा है। और भाई इस ट्रेन में हमने अभी जो जर्नी खत्म करी है अपनी, अब दूसरी में करने वाले हैं, वेट कर रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पे आएगा, और हम लोग यहाँ खड़े हैं भाई वेट कर रहे हैं। इसने भी लोही ओढ़ ली, अरे ये देखो मैंने तो पहन ली अपनी जैकेट निकाल के फट दी भाई, बहुत सर्दी लग रही है मतलब यहाँ के। किस तरह भर रहा देख Thank you.
गाइज हम पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी के धाम पे कटरा में। अब हम चलेंगे करने जा रहे हैं थोड़ी चढ़ाई। भाई यहाँ के रेलवे स्टेशन की एक बात मुझे सबसे बढ़िया लगी, साफ सफाई बहुत ज़्यादा है। ये देखो इतनी क्लीनिंग है, आराम से बैठ सकते हैं। चलो भाई अब चल रहे हैं अंदर। अभी हम लोग आए टिकट दिखा के वहाँ पूरी इंक्वायरी करके करा के अच्छी लगी तो लाइक करते हैं।